देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। कर्नाटक में सियासी पारा अभी भी गर्म, सरकार गिरने और बचाने की कवायद जारी। विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार बोले, अभी किसी का इस्तीफा स्वीकार नहीं। कर्नाटक में बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है सुनवाई। विधायक बोले, प्रदेश में अजीब माहौल, स्पीकर भी नहीं निभा रहे हैं अपना दायित्व। लोकसभा में रेल मंत्री पीयूष गोयल बोले, रेलवे में जल्द निकलेगी 2.94 लाख पदों की भर्ती, रेलवे के निजीकरण का अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला। मोदी कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन का लिया बड़ा फैसला, अब 18 साल तक के बच्चों के साथ रेप के आरोपी को दी जाएगी मृत्युदंड की सजा। कांग्रेस के बजट में दिखी सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि, राजस्थान में गौशाला की बात तो मध्य प्रदेश में पुजारी कल्याण कोष के गठन का ऐलान। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी, बोले, यहां आना घर जैसा लगता है। बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा से उनकी ही बेटी को लगता है डर, जान को भी बताया खतरा, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। जम्मू कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई, घर को किया सील। अलकायदा चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने भारत को दी गीदड़ धमकी, आतंकियों से कश्मीर में भारतीय सेना को निशाना बनाने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से का शिकार हुए ब्रिटेन में अमेरिकी राजदूत किम डारोक, ट्रंप को बताया था आयोग, देना पड़ा इस्तीफा। सेमीफाइनल में हारकर विश्व कप से बाहर हुआ भारत, कीवी गेंदबाजों के आगे बुरी तरह ध्वस्त हुआ भारतीय टॉप ऑर्डर। विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा मैच। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।